केंद्र महिला एवं बाल विकास द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना के माध्यम से संचालित किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में मुख्य रूप से 6 सेवाएं प्रदान करी जाए जो इन प्रकार से छे। पूरक पोषण आहार को वितरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा। पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी केंद्र का माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वितरित करायो जाए। यो पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज 6 मासी 6 वर्ष तक का बालक नख, गर्भवती बहन नख, धात्री माता यानी स्तनपान कराणी माता अरु किशोरी बालिका नख प्रदान करायो जाए। महिला न अरु बालक न द्वारा ग्रहण करे गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा इनका लेन पर्याप्त नहीं हुए। पूरक पोषण आहार बालक न हमारी बहन नम भोजन से प्राप्त होने वाली कमी ख पूरी करज। पूरक पोषण आहार एक वर्ष में 300 दिन का लेन दियो जाए। 6 मासी 6 वर्ष का आयु का बालक न का लेन पूरक पोषण आहार में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन न 500 किलो कैलोरी होवज। 6 मासी 3 वर्ष का बालक नख पूरक पोषण आहार टेक होम राशन, एको मतलब छे कि घर ले जाना का लेन पैकेट का रूप में दियो जाए, जेमे हलवा बाल आहार को पिसेल भुंजेल आटो जेमे शक्कर भी मिली रहे न खिचड़ी को पैकेट दियो जाए। भाई बहन नवनी, 3 वर्ष से 6 वर्ष का बालक का पूरक पोषण आहार को वितरण आंगनवाड़ी में गर्मा गर्म तैयार भोजन का रूप में इन प्रकार से दियो जाए। सोमवार नाश्ता में पौष्टिक खिचड़ी, खाना में सब्जी रोटी। मंगलवार का रोज नाश्ता में नमकीन थुली न खाना में खीर पूड़ी। बुधवार का नाश्ता में मीठी लपसी और खाना में दाल रोटी। गुरुवार का दिन खाना में तो बहन हुन दाल चावल दियो जाए न नाश्ता में बाड़क न खलेन मीठी मीठी लपसी रहज। शुक्रवार का दिन नमकीन थुली नाश्ता में अरु दाल रोटी खाना में। अरु बहन हुन शनिवार का रोज नाश्ता में पौष्टिकता से भरेल खिचड़ी अरु खाना में सब्जी रोटी। गंभीर कुपोषित बच्चा न कलेण पूरक पोषण आहार में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अरु 800 किलो कैलोरी हर रोज दी जाए। ई उन बालक नख दियो जाए जो पोषण पुनर्वास केंद्र नहीं जाता। बहन नहुनी, ध्यान देना वाली बात ई छे कि गंभीर कुपोषित बालक का तुरंत एनआरसी रेफर करियो जाए। गर्भवती न धात्री माता का लेन पूरक पोषण आहार में गेहूं सोया बर्फी को मिश्रण, आटा बेसन लड्डू को मिश्रण और खिचड़ी को पैकेट दियो जाए। इन आहार में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 किलो कैलोरी रहे। 11 से 14 वर्ष की आयु वाली ऊ बालिका न जी स्कूल नहीं जाती है न 15 से 18 वर्ष की आयु वाली सभी किशोरी बालिका न कर लेन दियो जाना वाड़ो पूरक पोषण आहार में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन न 600 किलो कैलोरी होवज। यो आहार पैकेट में दियो जाए न इन पैकेट में गेहूं सोया बर्फी को तैयार मिश्रण और खिचड़ी रहे। टीकाकरण या ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता न स्वास्थ्य कार्यकर्ता का माध्यम से प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में महीना में एक बार महिला और बालक न की स्वास्थ्य जांच करी जाए। ई स्वास्थ्य जांच 6 वर्ष से कम आयु का बालक न की सामान्य स्वास्थ्य जांच का रूप में अरु बालक न ख प्रत्येक माह वजन, टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, डायरियो जगह हम उल्टी दस्त भी कहांज व को उपचार, कृमिनाशक दवाई न को वितरण, गर्भवती बहन न की प्रसव पूर्व जांच, IFA गोड़े न को वितरण न प्रसव का बाद में स्वास्थ्य जांच और अन्य सभी सामान्य बीमारी न को लेन दवाई गोड़े न को वितरण करियो जाए। संदर्भ सेवाएं
स्वास्थ्य जांच अरु वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी को मतलब छे वजन करनू अरु रिकॉर्ड में चढ़ावनू। वजन करना का दौरान पाया गया गंभीर कुपोषित बच्चा ख जक तुरंत चिकित्सकीय सेवा न की जरूरत छे असा बाड़क ख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में पहुंचाया जाए। गंभीर कुपोषित बच्चा ख तुरंत NRC यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती। खंडवा जिला में पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल खंडवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसुद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खालवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेगांव माखन अरु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी में छे। टीकाकरण सवैव आंगनवाड़ी केंद्र नाम महीना में एक बार टीकाकरण की सेवा न दी जाए। यो टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग की NMGG करज न प्रति आंगनवाड़ी केंद्र पर ई टीकाकरण का लेन सप्ताह न दिन निर्धारित रहज। इन्हीं तय दिन का हिसाब से टीकाकरण करियो जाए। टीकाकरण बच्चा का 6 जानलेवा बीमारी न सी बचावज जेमा पोलियो, डिप्थीरियो, काली खांसी, टिटनेस, TB अरु खसरा कोटी को प्रमुख छे। स्वास्थ्य अरु पोषण परामर्श आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अरु स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा उनका संबंधित गांव में घूमी घूमी न महिला नख प्राथमिक स्वास्थ्य पर पोषण न स्वास्थ्य अरु संतुलित आहार का बारा में परामर्श दियो जाए। शाला पूर्व शिक्षा ये क्या है? प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष का बच्चा न को मानसिक विकास का लेन शाला पूर्व यानी स्कूल में भर्ती करावना का पेलम प्राथमिक शिक्षा दी जाए। इस शाला पूर्व शिक्षा खेल कूद का माध्यम से दी जाए जो बच्चा ख पानी, जमीन, जानवर, आकार, वर्णमाला न संख्या को ज्ञान करावज। हर आंगनवाड़ी केंद्र में वृद्धि निगरानी करनू और वको रिकॉर्ड तैयार करनू बहुत जरूरी गतिविधि छे। यो वजन हर महीना करज न आंगनवाड़ी वाले जीजी वृद्धि निगरानी रजिस्टर में वजन करेल बाड़क न को रिकॉर्ड बनावज अरु चार्ट तैयार करज। यो चार्ट बतावज कि उम्र का मान से बाड़क को वजन बढ़ी रहो कि नहीं। यदि कोई भी बाड़क में वृद्धि असामान्य मिलज तो असा बाड़क पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRC में भर्ती करज। वृद्धि चार्ट बाड़क की मासिक वृद्धि भी बतावज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन चार्ट का अनुसार बाड़क को वजन को ग्रेट निकालज अरु कम वजन न बहुत कम वजन का बाड़क की माता का परामर्श देज। आंगनवाड़ी केंद्र में मात्र अरु शिशु रक्षा कार्ड रखियो जाए। ई कार्ड सबई गर्भवती बहन का लेन अलग अलग बनायो जाए जेमा उन्नसी संबंधित सबई रिकॉर्ड रहज। यो कार्ड प्रसव की संभावित तिथि, ANC जांच, गर्भवती बहन न बाड़क की टीकाकरण की स्थिति अरु वृद्धि निगरानी का बारा में बतावज। यो कार्ड सबई गर्भवती बहन ख आंगनवाड़ी में उनका पंजीयन करता समय दियो जाए। ई कार्ड गर्भवती बहन की प्रसव से पहला 3 स्वास्थ्य जांच, गर्भावस्था का दौरान अरु प्रसव का समय नवक बाद की सावधानी, संतुलित आहार, पोषक पदार्थ, बच्चा न महिला न को हुए टीकाकरण की जानकारी भी रखज। इनज कार्ड में प्रसव का संभावित स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी भी रहज। आंगनवाड़ी केंद्र का माध्यम से विटामिन ए की कमी से बचाओ अरु एनीमिया यानी खून की कमी से बचाओ का लेन 6 माह से 5 वर्ष तक का बाड़क विटामिन ए अरु आयरन की दवाई न देज। 9 माह से 1 वर्ष का बच्चा नख 1 ml विटामिन ए अरु 1 से 5 वर्ष का बाड़क नख 2 ml विटामिन ए हर 6 माह का भीतर पिलावज। विटामिन ए का साथ कृमिनाशक एल्बेंडाजोल भी हर 6 माह का भीतर देज। यो 1 से 2 वर्ष का बच्चा नख 5 ml सायरप अरु 2 से 5 वर्ष का बाड़क नख 10 ml देज।
आयरन सिरप 6 मासी 5 वर्ष का बाड़क नख हर रोज 1 ml देयज। यो आयरन सिरप शरीर में लोह तत्व ख बढ़ावना का लेन देयज। प्रत्येक आंगनवाड़ी में हर मंगलवार मंगल दिवस मनायो जाए। हर महीना का पहला मंगलवार ख गोद भराई का रूप में मनायो जाए। इन दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटो सो समारोह आयोजित करियो जाए न इन दिन सभी गर्भवती माता न को पंजीयन करी ख मात्र शिशु रक्षा कार्ड देवज। सब दिन खलेन आयरन की गोड़ी न अरु पोषण आहार को पैकेट बाटियो जाए। अन्न प्राशन दिवस इन दिन सभी 6 माह पूरी करी चुकिया बाड़क नख इकट्ठो करी ख उन नख ऊपरी आहार खवाड़नो शुरू करज। अरु माता नख 6 माह का बाद में दियो जानो वाड़ो ऊपरी आहार का महत्व समझायो जाए। जन्म दिवस यो दिन हर महीना का तीसरा मंगलवार का रोज मनायो जाए। इन दिन इनी महीना में पैदा हुए 5 वर्ष से कम आयु का सभी बालक न को जन्मदिन मनावज और उनको वजन लेना वृद्धि निगरानी चार्ट में चढ़ायो जाए। किशोरी बालिका दिवस यो दिवस प्रतिमाह का चौथा मंगलवार का मनावज। इन दिन किशोरी बालिका नख संतुलित आहार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अरु व्यवसायिक आर्थिक गतिविधि नख आयोजन करियो जाए। उन नको BMI निकालियो जाए अरु जरूरत पड़न पर स्वास्थ्य जांच करी न चिकित्सकीय सुविधा दी जाए। आंगनवाड़ी केंद्र में स्तनपान ख बढ़ाओ देने का लेन बैन नख परामर्श दियो जाए। यम पैदा होने का तुरंत बाद 1 घंटा का भीतर स्तनपान शुरू करन अरु जन्म सी 6 माह तक सिर्फ स्तनपान न 6 माह पूरा होना पर ऊपरी आहार दियो जाना छे। आंगनवाड़ी केंद्र में सुरक्षित पेयजल साफ सफाई अरु स्वच्छता डायरियो यानी उल्टी दस्त सी बचाव का लेन ORS को वितरण जैसी गतिविधि न भी चलज। तो भाई बहन नहुनी अब तो आप सभी समझ गया होगा कि आंगनवाड़ी को काई काम आए न कि काई रूपरेखा छे। अब रोज भेजो अपना बच्चा खा आंगनवाड़ी। अपनाउना वाला बिंदु 6 साल तक की उम्र का बालक न का लेन आंगनवाड़ी केंद्र में बालक न की शारीरिक वृद्धि की जांच टीकाकरण घर ले जाना वाला पूरक पोषण आहार को पैकेट और स्कूल जान का पहला पढ़ाई आदि सेवा न दी जाच। आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिला न को पंजीकरण उनका गर्भ का विकास की जांच टीकाकरण आयरन की गोड़ई पोषण आहार न परामर्श देज। न आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिला ख कम से कम 3 बार गर्भ की जांच करानु जरूरी छे। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा धात्री महिला न क पोषण आहार न गर्भ निरोधक उपाय अरु परामर्श दियो जाज। किशोरी न कलेन आंगनवाड़ी केंद्र से आयरन की गोड़ी पोषण आहार न परामर्श देज। अति कुपोषित बालक नख NRC भेजन कलेन आंगनवाड़ी केंद्र से परामर्श अरु सहयोग दियो जाज।